तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग का करो या मरो वाला मुकाबला आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग राजस्थान रॉयल्स से भिड़ने वाली है और बता दें कि यह मुकाबला बेहद ही अहम होने वाला है, ना सिर्फ चेन्नई सुपर किंग के लिए बल्कि अन्य टीमें भी इस मुकाबले पर नज़र रखने वाली है। तो दोस्तों पूरे डिटेल्स में बात करेंगे कि चेन्नई सुपर किंग क्या क्या चेंजेस कर सकती है और इसके अलावा बताएंगे कौन यह मुकाबला जीत सकता है। तो दोस्तों पूरे डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हम आईपीएल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। अगर आईपीएल से जुड़ी आप न्यूज देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम हर एक छोटी बड़ी अपडेट लेकर आएंगे। तो दोस्तों अब बात करें चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मुकाबला है उसके बारे में। तो दोस्तों बता दें कि यह बेहद ही बड़ा मुकाबला है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स जो कि अभी तक आईपीएल 24 में कमाल का परफॉर्मेंस की है, तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग तो कुछ अच्छे मुकाबले में परफॉर्मेंस की है लेकिन बता दें कि थोड़ा बहुत खराब ही परफॉर्मेंस रहा है। इसलिए इनके कई मुख्य तेज गेंदबाज जो कि कोई बाहर चला गया है, अपने देश वापस चला गया है, तो दोस्तों कोई तेज गेंदबाज इंजर्ड हो गया है। इसके बाद से जो चेन्नई सुपर किंग के तेज गेंदबाजी लाइनअप है थोड़ा बहुत कमजोर हो चुकी है, जो कि चेन्नई सुपर किंग के लिए बेहद ही हानिकारक है। जीटी जैसी टीम बड़ा स्कोर बना डाली थी सीएसके के खिलाफ, ऐसे में सीएसके के लिए राह आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। वैसे बता दें कि राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच कुल अभी तक 28 मुकाबले खेले गए हैं और बता दें इसमें से 15 मुकाबले सीएसके ने जीता है, 13 मुकाबला जो कि राजस्थान रॉयल्स ने जीता है। तो वहीं बात करें हाईएस्ट स्कोर तो दोस्तों बता दें कि चेन्नई सुपर किंग राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 246 रन हाईएस्ट स्कोर है। जी हां दोस्तों, वहीं राजस्थान रॉयल्स का 223 रन हाईएस्ट स्कोर है चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ। अब बात करें इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग कौन कौन सा बड़ा बदलाव कर सकती है, तो सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है वह अजिंक्य रहाणे बाहर होंगे, क्योंकि अभी तक वो अपने परफॉर्मेंस से बेहद ज्यादा निराश किए हैं चेन्नई सुपर किंग को, उनसे बेहद ज्यादा उम्मीद था, डेन कोनियन नहीं थे, अजिंक्य रहाणे एक्सपीरियंस है, अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस उस प्रकार से निकल कर नहीं आया है अभी तक, और इसी वजह से शायद चेन्नई सुपर किंग उनको छुट्टी करने वाली है और उनके जगह पर यंग और युवा टैलेंटेड शेख राशिद को मौका दे सकती है, या फिर रचिन रविंद्रा और ऋतुराज गायकवाड ओपनिंग करेंगे और समीर जी मिडिल में खेलने आ सकते हैं, जो कि चेन्नई सुपर किंग के लिए बेहतर यही हो सकता है, क्योंकि अब अजिंक्य रहाणे बूढ़े शेर हो चुके हैं, जो उनसे अब एबिलिटी नहीं है, जिस प्रकार से अभी T20 चल रहा है उसमें वह ढल नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा बात करें एक्स फैक्टर खिलाड़ी की जो कि चेन्नई सुपर किंग के लिए रहेंगे, वह रविंद्र जडेजा रहेंगे। चेन्नई में मुकाबला है और बता दें कि जो यह 12 मई को मुकाबला सुबह का ही मुकाबला है, 3:30 पर मुकाबला शुरू हो जाएगा और बता दें कि सुबह में वहाँ पर नमी नहीं रहेगा, पूरा पिच सूखा रहेगा, वहाँ पर जाहिर सी बात है स्पिनरों का दबदबा रहेगा। ऐसे में रविंद्र जडेजा मोइन अली कारगर साबित हो सकते हैं इस मुकाबले में। बता दें कि वैसे चेन्नई सुपर किंग अपने घर में बेहद ही मजबूत टीम मानी जाती है और यही सबसे बड़ी बात है, इसीलिए थोड़ा बहुत उम्मीद है कि यह मुकाबला सीएसके जीतकर अपने जो उम्मीद बरकरार रखना चाहिए। वहीं बात करें आरआर की तरफ से जो एक्स फैक्टर खिलाड़ी रहेंगे, तो वैसे बता दें कि आरआर की तरफ से तो कई बेहतरीन खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चाहे वह रियान परागो संजू हो, लेकिन हम जोश बटलर को साइड में बिल्कुल नहीं कर सकते। यह एक ऐसा बंदा है जो कि अकेले अपने दम पर मुकाबला आरआर को जिता सकता है। तो दोस्तों यह जुड़ी हुई थी खबर राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग के मुकाबले को लेकर। आपका क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।